बहनों, सच माने में आज आपके पास आने के बाद हमें बहुत अपने आप में बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने जो यहाँ पे उत्साह दिखाया, इस भयंकर गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हैं। इससे साथ बहनों, ये जाहिर होता है कि आप लोग अपने काम के प्रति कितने जागरूक हैं। बहनों, जो लोग काम तो होते हैं तो उनको गर्मी भी दिखती है, उनको वर्षा भी दिखती है। तो आपने ये साबित करके दिखाया है कि आप अपनी मांगों के प्रति जागरूक हैं, और यही जागरूकता आपको पक्की बात है जीत दिलाई। मैं बहनों, आप लोगों से मैं तो सबक सीख रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले 40 दिन जो यहाँ पे केजरीवाल की कोठी पे प्रदर्शन किया, आज 28 तारीख से आप लोग यहाँ लगातार इस प्रदर्शन धरने पे हो। लेकिन सब पहली बार मैंने देखा कि जगह जगह इस बार कम से कम टीवी ने भी इसको कवर किया है, और ये बात सच है कि केजरीवाल को क्या इस टाइम मोदी को भी आंख खोलनी पड़ेगी। ये जिनको बोलते हैं तो बोलते कि नारी शक्ति, क्या नारी शक्ति यही है कि उनको रोड पर बिठाया जाएगा? ये मोदी साहब, केजरीवाल जी, ये देखिए कि नारी शक्ति को जिनको तुम महान बताते, हम जगह जगह लिखता है कि हम महिलाओं का सम्मान, ये सम्मान हो रहा है, ये रोड़ों पर बिठा रखा है, सम्मान हो रहा है। वो अपने अधिकार के लिए बोल रही है। कहीं मेरे को लगता है किसी बहन ने नहीं बोला कि मुझे केजरीवाल की तरह उसके सीएम की सीट पे बिठा दो। वो सारी की सारी ये बोलती है, जो मेरा अधिकार है वो अपना अधिकार लेने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें आज अपना अधिकार चाहिए। पर बड़ी शर्म की बात है, आज हमारे मंत्रालय में बैठे अधिकारी मिनिस्टर पता नहीं क्या इनके कानों में, क्या इनको सुनाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, ये गूंगे बहरे बैठे हैं, ये अनपढ़ गवार तो है ही है साथियों, उसके बाद वास्तव में ये गूंगे बहरे भी हैं। पहले अभी एक बात आ रही थी कि अधिकारियों का ठीक बात है, पुलिस वालों का भी प्रदर्शन में तो उन्होंने बोला यहाँ से हटाने की बात, पुलिस वालों का दायरा होता है। लेकिन बहनों, ये बात आप बताएं, हमारे एक बार जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था क्लाउडी हॉस्पिटल का अकेला, तब पुलिस वाले हमारे से काफी उन्होंने घेर दिया था, हम लोग 200 के करीब थे, पुलिस वाले कम से कम 2000 आके थे। तो साथ ही उनका कहना था, भाई लोग जब तुम लोग इंकलाब पर नारा लगाते हो तो हमारे अंदर मतलब एक दहशत पैदा हो जाती है। ये बात सच है कि लोग जैसे हम अपनी ड्यूटी पे बैठे होते हैं, हमें अपना काम करना होता है, ये लोग भी ड्यूटी करें, इनका हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है, इनका ऑर्डर दिया जाता है, ये ना चाहते हुए भी इनको अपनी ड्यूटी निभानी होती है, हमें इनसे कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई इनसे गुस्सा नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जब आपकी एकता होगी तो कानून इनके धरे रह जाते हैं। आपने देखो सुप्रीम कोर्ट, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 98 में एक ऑर्डर निकाला था कि हड़ताल कोई नहीं करेगा। तो साथियों, हेल्थ एम्प्लॉयज ने सुप्रीम कोर्ट पे प्रदर्शन किया था, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि वास्तव में अब हमारा जायज हक है, हम अपने जायज डिमांडों के लिए लड़ रहे हैं। ये साथियों, हमारा मौलिक अधिकार है, कोई इनका दिया हुआ खैरात नहीं मारते, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। जब हम कोई काम कर रहे हैं, हम कई बार बोलते हैं बच्चों के लिए कि भाई बच्चे, हम बच्चे को बड़ा एहसान करते, चल कर रोटी बना के दे रहे हैं, वो हमारा अधिकार है, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमें उनको रोटी देनी पड़ेगी। इसी प्रकार जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं, आप लोगों के वोट के आधार पर जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी ड्यूटी है, यहाँ ऐसे कमरे ऐसे नहीं मिले हुए हैं इनको, क्या आपका जो अधिकार है, जो आपके जो नियम कानून, जो आपकी आपको जो भी नियम उनको देना पड़ेगा। लेकिन एक बहन का मेरे पास फोन आया कि दिन दयाल में मुझे कोई हेल्प चाहिए। साथियों, में बड़ा हैरान हो रहा, मैं कौन है, कह रहे हमारा पेशेंट है कोई। तो साथियों, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि बेचारी इनको शाम को भी रात को फोन करी हो, बहन कविता जी ने उनको नंबर दिया होगा, तो वो कहते हैं कि हमें मदद चाहिए आपको, जैसे उसका व्यक्तिगत मरीज हो। तो सही बात है, आप लोग उसको अपना व्यक्तिगत ही मानते हैं, जिसका आप इलाज करवाने जा रहे हैं उसको अपना मानते हैं, लेकिन उसका लास्ट में आपका रिस्पॉन्स क्या मिलता है? खाली पेट अपने बच्चों को छोड़ के आप यहाँ बैठे हो, ड्यूटी पे पूरे टाइम दे रहे हो, और उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ये बात बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वास्तव में ड्यूटी अपने अपने बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, अपने घर में छोड़ना पड़ेगा, सास ससुर को छोड़ना पड़ेगा, अपना किराया देना पड़ेगा, जेब में किराया हो ना। लेकिन अगर जब बस में पकड़ा जाएगा 200 रुपये जुर्माना बेइज्जती भी होगी, और वहाँ जाने के लिए उसको बातें भी किया जाएगा। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है, इनको इनकी डिमांड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि इनकी डिमांड क्या जेन्युइन डिमांड है।
साथ जेन्युइन डिमांड को कैसे डिनाई कर कैसे मना कर सकते हैं। ये जेन्युइन डिमांड है, इनको किराया भी चाहिए बस का, इनको जो उनकी देख देख रहे, इनको तो मुझे लगता है 24 घंटे की ड्यूटी है। जब रात को फोन कर रहे हैं तो इसका मतलब इनकी 24 घंटे की ड्यूटी है। इनको कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है। साथ ये लोग बैठे जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, साथ एक बार बात यह है कि पे कमीशन में इन्होंने पेंशन खत्म कर दी है। लोग शपथ लेते ये दूसरे दिन मर जाए, इनकी पेंशन खड़ी है। तो ईमानदारी की बात करो, बेईमानी का कितना करते हैं, इनका दीवार इनका पेट ये भरे सुच्चा करने कामों से। लेकिन हम लोग ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप पूरी जिंदगी यहाँ लगाने के बाद लास्ट में एक रोटी के लिए भी तरसेंगे तो ये नहीं चलेगा। हमें सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार अपनी मनमानी करना छोड़ दे, और नहीं तो आप बहनों अभी मैं इसमें ज्यादा बात में आपका नहीं रखूंगा। हमारे AIUTC के जो प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं आपके शर्मा जी ने आपको विस्तार से बताया कि आपको सावधानी बरतनी होगी। बहनों जीत आपके हाथ से पक्का होगा, आपके अगर एकता बनी रहेगी। रानी की झांसी एक बनी थी, सारे नहीं बने थे। शहीद भगत सिंह एक बना था, लोग तो मेरे को भी कहते हैं कि रात दिन तो मैं बाहर पड़े रहते हो और तो नहीं जाते, तुम्हें क्यों जाते हो, तुम हॉस्पिटल में आए दिन आपको देखो। इस टाइम हमारा हेल्थ का भी प्रोग्राम चल रहे हैं, रोज ही हम इससे बाहर होते हैं और अपने सीट का काम फिर भी निकालना होता है। तो साथियों ये जो भगत सिंह हो रानी झांसी हो ये कुछ आदमी निकलते हैं और हम भी बोले कुछ महीने तो घर के अंदर बैठे हैं, हम भी मानते हैं वो बैठे होंगे लेकिन उनकी नकल नहीं कर सकते। कुर्बानी देने वाला बहुत कम लोग होते हैं जिनका नाम से किताबों में लिखा जाता है। तो बहनों ये बात आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना होगा कि आप अगर एकता पर रहेंगे और किसी मिसगाइड करने को, आपने पीछे भी देखा होगा आपको बीच में मिसगाइड करने वाले भी आएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। शांतिपूर्ण हम भी चाहते हैं कि हम क्यों यहाँ इतने बैठे आज हम रोड जाम कर देंगे, लेकिन होगा क्या, उससे तितर बितर हो जाएंगे, सारी तरफ फैल जाएंगे, प्रोग्राम हमारा खराब होगा। जब आपको आपके यूनियन लीडर पर गाइड करेंगे और सौ समय प्लानिंग के साथ करेंगे तो मैं आपको यही आश्वासन देता हूँ NPHA नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस जो हेल्थ सेक्टर दिल्ली का पूरा हेल्थ सेक्टर है उसके जनशक्ति के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कलावती यूनियन के नाते आपको आश्वासन देता हूँ कि बहनों जहाँ जरूरत पड़ेगी जहाँ जाना होगा, जहाँ भी आपकी जरूरत आपको महसूस होगा कि हमें और आदमियों की जरूरत है और लोगों को हमारे सपोर्ट की जरूरत है आपके साथ हम खड़े मिलेंगे। इसी के साथ में ज़्यादा बात न करते हुए धन्यवाद करूँगा सभी बहनों का। अब वास्तव में मन की बात कह रहा हूँ मैं कि वास्तव आप लोगों से मुझे सबक सीख रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने जो लेडीजों ने जो आपने यहाँ पर समय दिया है अपनी एकता दिखाई है उसके लिए वास्तव में बधाई के पात्र हो आप लोग। एक बार मेरे साथ जो नारे लगाएंगे और मुझे लगे कि जो बैठे हुए मंत्रालय में एसी रूम में बैठे हुए हो सकता है एसी रूम का सारा कवर होता है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं दुखी की जो आवाज़ होती है वो सब जगह पहुंचती है। तो आप लोगों ने जोर से नारे लगाने हैं और उसका जवाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कि हड़ताल में सरकार में प्रशासन का समर्थन व सहयोग न करें। हम सभी टीम वर्कर हैं और हम सभी को मिलकर केंद्र व सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाना है। हम सभी को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से लड़ना है। हम अपनी ANM बहनों व तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी साथियों से भी अपील करती हैं कि वे आंदोलन में हमारा सहयोग करें। हम आपसे सक्रिय सहयोग देने की अपील करते हैं। हम माफी चाहते हैं दिल्ली की जनता से, विशेषकर अपनी गर्भवती बहनों को जिनको हड़ताल के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है। हमें खेद है कि दिल्ली के हजारों हजार मासूम बच्चों के टीकाकरण भी हम नहीं करा पा रहे हैं जो हमारे ही बच्चों के समान हैं। यह दुख हमें भी है। यह परेशानी दिल्ली सरकार वे NRHM प्रशासन की हद धर्मिता के कारण पैदा हो रही है। एक बार फिर हम दिल्ली सरकार के